बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो भी बंदा सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाहता है, वो सबसे ज़्यादा परेशान फ़्लाइट्स के बारे में है और दूसरी परेशानी उसकी वैक्सीन की है। कौन से लोग हैं जिन्हें क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा? आपने वैक्सीन लगवा ली है जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड है, या फिर आपने वैक्सीन लगवा ली है चाइना की, या फिर आपने वैक्सीन की अभी दोनों खुराकें नहीं लगवाई, या फिर आपने चाइना की दोनों खुराकें लगवा ली हैं और अभी बूस्टर नहीं लगवाई, तो फिर आपका क्या बनेगा? क्या आपने सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद क्वारंटाइन करना है या नहीं करना? इस तरह के बहुत सारे सवालात हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोगों के सवालात के इंशाल्लाह मैं यहाँ पर क्लियर जवाब दूँगा, बिल्कुल शॉर्टकट में जवाब दूँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं एक ट्वीट शेयर करने जा रहा हूँ, और इस ट्वीट में बताया गया है कि अल मुहसिनून अल कादिमून मिनल सफर गैर मुतालिबीन बिल हिज्र अल सही अल मंजिली व अल मुसस्सी व अमल फास अंद अल दखुल। इसका यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन भी आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे तमाम अफराद जो अम्यून हैं। अब अम्यून कौन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फ्राम ट्रेवल आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन होम आर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। अगर आप अम्यून हैं और आपका जो क्वारंटाइन है वो ना तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा और ना ही होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तमाम वर्क वीज़ा वालों के लिए, और होम क्वारंटाइन ऐसे अफराद जो घरेलू मुलाजमीन हैं, जो अपने जो कफील या कंपनी या उनके जो भी स्पॉन्सर हैं उनके साथ अगर सफ़र करके वो सऊदी अरेबिया में एंटर होते हैं तो उनको इजाज़त होती है कि वो अपने घर में क्वारंटाइन करें। बाकी अगर बैरूनी मुल्क से, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से इंडिया से अगर सऊदी अरेबिया सफ़र करना चाह रही हैं, वाया मुल्क किसी से हो के आप सफ़र कर रही हैं, सऊदी अरेबिया में पहुँचते हैं और आपका जो महना है कोई आमिल मंजिली और इस तरह का साइक खास वगैरह है, तो आपको अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो आपको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। आ जाते हैं ये आपके जो मज़ीद सवालात हैं उनकी जानिब कि अगर आपने ऑस्ट्राजेनिका, फाइज़र या फिर इस तरह की जितनी भी वैक्सीन है, मोडर्ना है जो सऊदी अरेबिया ने अप्रूव्ड कर रखी हैं, अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं, आप नए वीज़ा पर हैं या विज़िट वीज़ा पर हैं, फिर आपको वजारत सेहत की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इकामा होल्डर हैं तो ऐसी सूरत में आपको ज़रूरी है कि आप वजारत सेहत की वेबसाइट पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अप्रूवल आएगी या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब तक आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट मौजूद है जो वैक्सीन सऊदी अरेबिया ने अप्रूव्ड की है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली और जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई थी वो सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑस्ट्राजेनिका की दोनों डोजेज लगवा ली, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जब अपना डाटा अपडेट कर रही हैं तो आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा कि रिजेक्ट कर दी गई है, आपकी डोजेज कंप्लीट नहीं है, या फिर आप इसे एम्बेसी से अटेस्टेड करवाएं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इस वक्त तक सऊदी हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि आप जाएं और एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाएं। क्योंकि एम्बेसी से अटेस्टेशन जब स्टार्ट होगी तो अटेस्टेशन का तरीका भी हमें बताया जाएगा, अटेस्टेशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। अभी तक कुछ भी आपने नहीं करना है। अब आ जाते हैं ऐसे अफराद जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगा ली है। अगर आपने चाइना की वैक्सीन एक खुराक लगवा ली है, आपने चाइना की दोनों खुराक लगवा ली हैं, फिर भी आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तानी वजारत सेहत है उनकी जानिब से अभी अप्रूवल ही नहीं दी गई कि आप डोज़ एक एक्स्ट्रा लगवाएं, यानी आप एक बूस्टर लगवा लें। जब आपको गवर्नमेंट लेवल पे इजाज़त ही नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान में बैठ के ये वाली फैसिलिटी नहीं ले सकते, इसलिए आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन सिरे से लगवाई ही नहीं या सिर्फ एक खुराक लगवाई है, तो तमाम अफराद के लिए है कि वो सऊदी अरेबिया में इंटर तो हो सकते हैं, एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे आपने वैक्सीन सिरे से लगवाई ही नहीं या फिर आपने वैक्सीन की अभी एक खुराक लगवाई है। आपको वजारत सेहत की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, यानी आपने एक खुराक लगवाई या लगवाई ही नहीं, अकामा होल्डर हैं
आपको वज़ारत सेहत की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप रजिस्ट्रेशन उस पर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपसे दोनों डोजेज़ मांगी जाती हैं। अब जो जिन्होंने लगवाई ही नहीं सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद, उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन से बचने का कोई भी तरीका आपके पास नहीं है। और ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया में एक डोज़ लगवा चुके हैं और फिर छुट्टी अपने मुल्क चले गए, अब उनका क्या होगा? उन्होंने सऊदी अरेबिया में ऑस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मोडर्ना या कोई भी अप्रूव्ड सऊदी अरेबिया की जो वैक्सीन है वो लगवा ली, अब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या इंडिया में मौजूद हैं, तो उन्हें वही वाली वैक्सीन अब लगाना पड़ेगी। यानी आपने फाइज़र सऊदी अरेबिया में लगाई थी तो अब पाकिस्तान में भी आपको फाइज़र ही लगवाना पड़ेगी, आप ऑस्ट्राजेनेका नहीं लगवा सकते। अगर आपने ऑस्ट्राजेनेका सऊदी अरेबिया से लगवाई थी, अभी आप पाकिस्तान में रह के आप फाइज़र नहीं लगवा सकते, इवन के सऊदी अरेबिया ने इसे अप्रूव कर रखा है। यानी ऑस्ट्राजेनेका के ऊपर फाइज़र लग सकती है, सऊदी अरेबिया ने इसे अप्रूव कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में रह के, क्योंकि पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर आप अगर फाइज़र लगवा के आए हैं तो फिर आपको फाइज़र ही दूसरी लगवाना पड़ेगी। तो वैक्सीन के हवाले से आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। लेकिन जो परेशान हैं कि चाइना वैक्सीन लगवा ली है, जो स्टेटस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट सेंड कर रही हैं, किसी को रिप्लाई आता है कि आप जो डोज़ लगवाएं, बूस्टर लगवाएं, किसी को रिप्लाई आता है आप एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाएं, किसी को रिप्लाई आता है रिजेक्ट कर दी है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि आपको अप्रूवल मिल नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दफ़ा आप कोशिश ज़रूर करें, जो अकामा होल्डर हैं कोशिश ज़रूर करें आप एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवाने की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया की वेबसाइट पे अपना डाटा सेंड करें, आपको अल्लाह करे कि अप्रूवल मिल जाए, आपका जो स्टेटस है वो तवक्कुल्ला पे इम्यून हो जाए। लेकिन बार बार कोशिश मत करें, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो बार बार ये गलती कर रहे हैं, बार बार आप रिक्वेस्ट सेंड करते रहेंगे, फिर अल्लाह ना करे कि आपका अकामा नंबर सिस्टम में ब्लॉक कर दिया जाए, आपका पासपोर्ट नंबर या कोई भी इशू आपके साथ इस तरह का हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी मत करें, एक बार ज़रूर सेंड करें। और जो विज़िट वाले हैं, जो नए वीज़ा वाले हैं, जिनका नया वीज़ा स्टैंप हुआ है, उनको रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सफ़र करें। उनके पास जो सर्टिफिकेट है नादरा का, जिस पे QR कोड लगा होना चाहिए, वो जब सऊदी अरेबिया में पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद उनका जो डाटा है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, आपको इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।